हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब टेक्नोलॉजी चैनल मिस्टर बॉट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे आप एडोबी फोटोशॉप के अंदर अपनी इमेजेस पे बॉर्डर, स्ट्रोक या फ्रेम्स को कैसे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स, आज मैं एकदम 5 यूनिक तरीके जो है आप सभी के साथ जो है शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में, जो कि आप सभी की बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं काम करने में। तो ये सारे के सारे तरीके एकदम यूनिक्स हैं, आपको मुश्किल से एक या दो ही पता होंगे जहाँ तक है, लेकिन आज मैं आपको एकदम यूनिक तरीके जो है बताने वाला हूँ। अगर कुछ यूनिक लगे तो प्लीज़ मेरे को नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, आपके सामने एक इमेज है, तो सबसे पहला तरीका हम अप्लाई करते हैं। यहाँ से आपको यहाँ पर टूल को सिलेक्ट कर लेना है, रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल नाम है इसका, इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है और आपको जितना एरिया में फ्रेम चाहिए उतने एरिया को आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। मैं इतने एरिया से यहाँ तक जो है इसको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और इतने एरिया में मैं चाहता हूँ कि मेरे पास बॉर्डर जो है आ जाए। अब अगर इसके अंदर मैं कलर को फिल करूँगा तो होगा क्या फ्रेंड्स, इस बीच वाले पोर्शन में कलर आ जाएगा, लेकिन मुझे क्या करना है, बॉर्डर्स पे अप्लाई करना है। तो अब इस सिलेक्शन को हम इन्वर्स करेंगे। आपको इन्वर्स करने के लिए जो है यहाँ पे सिलेक्ट में जाना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा इन्वर्स, इसका शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस आई। तो जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे बॉर्डर्स का सिलेक्शन जो है आ गया, यानी इन्वर्स सिलेक्शन इसने ले लिया है। अब आपको जो है इसके अंदर एक कलर फिल करना है, तो आप एडिट में जाइए और आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा फिल, इसका शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस एस। आप जैसे इसको क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने फिल विंडो ओपन हो जाएगी। कॉन्टेंट्स के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, हम फिलहाल जो है एक रैंडम कलर को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ से मैंने वाइट कलर को सिलेक्ट कर लिया, व्हाइट कलर सेलेक्ट करने के बाद ओके कर दिया और यहाँ पे भी आपको ओके कर देना है। जैसे आप ओके कर देंगे तो देखिए आपके सामने जो है कलर फिल हो जाएगा। अब इसको कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट कर दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इस फोटो को सेव करके जो है आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स फर्स्ट मेथड, कैसा लगा नीचे कॉमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट टेक्निक देखते हैं। इसके अंदर जो है फ्रेंड्स, हम जो है सिलेक्शन टूल को यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पर। यहाँ पर थोड़ा सा यूनिक तरीका है ये। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इमेज को अनलॉक कर लेना है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि सभी साइड जो है आपको बराबर जो है शो हो बॉर्डर, तो उसके लिए तरीका है, आपको इमेज को अनलॉक कर लेना है, ठीक है, आपको इमेज को ओपन कर लेना है। अब आपके सामने जो है क्या करना है, आपको यहाँ पे इमेज के ऊपर क्लिक करना है। इमेज के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा कैनवस साइज़, इसका शॉर्टकट है ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी, आपको इसको सिलेक्ट करना है। तो देखिए कैनवस साइज़ की विंडो जो है आपके सामने ओपन हो जाएगी। आपको यहाँ पे रिलेटिव पे चेक कर देना है और यहाँ पे जो है आपको पिक्सल्स को सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ से आपको हाइट और विड्थ देनी है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं विड्थ दे देता हूँ 100 और हाइट भी दे देता हूँ मैं 100, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे एंकर्स पॉइंट में आपको यहाँ पे मिड पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको ओके कर देना है। तो जैसे आप ओके करेंगे तो देख सकते हैं आपके सामने उतना एरिया जो है आपका जो कैनवस का वो थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया है। अब आपको इसके अंदर क्या करना है, कलर फिल करना है। तो यहाँ पे आप जाइए सॉलिड कलर को सिलेक्ट कीजिए और जो भी कलर आप यहाँ पे फिल करना चाहते हैं उसको ओके कर दीजिए और इस वाली लेयर को नीचे कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से भी आप जो है पूरा अच्छे तरीके से स्ट्रोक या बॉर्डर को अप्लाई कर सकते हैं इमेज पर। तो बहुत अच्छा मेथड है ये, इसे ज़्यादातर प्रोफेशनल लोग जो है यूज़ करते हैं, तो आप भी इसको जो है यूज़ कीजिएगा। अब जो मैं मेथड बताने वाला हूँ फ्रेंड्स, ये एकदम यूनिक मेथड है, इसे जो है शायद इस बारे में आपको नहीं पता होगा, तो इसके बारे में भी हम देख लेते हैं इसको कैसे जो है आपको देना है। इसके अंदर क्या करना है फ्रेंड्स, हम यहाँ पे जो है एक कैमरा रॉ फिल्टर का इस्तेमाल करेंगे। वो देखना पड़ेगा कि आपके फ़ोटोशॉप में है या नहीं, तो 90% लोगों के फ़ोटोशॉप में साथ में इंस्टॉल हो जाता है। आपको फ़ोटो को ओपन कर लेना है और यहाँ पर फिल्टर्स में आना है। फिल्टर्स में आने के बाद आपको देखिए यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा कैमरा रॉ फिल्टर, आपको इसको ओपन करने के लिए शिफ्ट कंट्रोल प्लस ए को भी आप सेलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं। अगर ये सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में नहीं है तो आप अलग से भी डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एडोबी की साइट से आपको फ्री में ये मिल जाएगा। तो देखिए हमारे सामने जो है कैमरा रॉ फिल्टर जो है ओपन हो गया है। अब आपको यहाँ पर इफेक्ट्स पर जाना है, तो देखिए इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर स्क्रोल करना है, पोस्ट क्रॉप विग्नेटिंग में आना है और इससे जो है आपको इनक्रीज़ कर देना है, जितना आप इनक्रीज़ करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग। मिड पॉइंट्स को आपको कम कर देना है, तो देखिए यहाँ पे मैंने कम कर दिया। राउंडनेस भी आप कम कर दीजिए, तो राउंडनेस देखिए इसको मैं यहाँ से कम कर देता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग जितना चाहे उतना रख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। और फेदर है, फेदर को आप कम कीजिए,
देखिए जितना आप कम करेंगे उतना आपको जो है अच्छे से विजिबल होगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा और फैदर दे देंगे तो और थोड़ा सा अच्छा आपको दिखने लगेगा। और यहाँ से आप ओके कर दीजिए। जैसे आप ओके कर देंगे तो ये स्ट्रोक भी जो है आपके इमेज पे अप्लाई हो जाएगा। यह भी एक बहुत अच्छा मेथड है, इस मेथड को जो है फ्रेंड्स ज़रूर यूज़ कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट ट्रिक को देखते हैं। अब यहाँ पे जो है फ्रेंड्स हम इसके अंदर ब्लेंडिंग ऑप्शंस का इस्तेमाल करके जो है स्ट्रोक अप्लाई करेंगे। तो आपके पास जो इमेज है इसको मैं पहले अनलॉक कर लेता हूँ। आपको अपनी इमेज पे राइट क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए ब्लेंडिंग ऑप्शंस जो है आपके सामने आ जाएगा। ब्लेंडिंग ऑप्शंस पे आपको क्लिक करना है तो आपके सामने जो है ब्लेंडिंग ऑप्शन की ये लेयर स्टाइल वाली विंडो ओपन हो जाएगी। अब आपको यहाँ पे स्ट्रोक पे क्लिक करना है। स्ट्रोक पे क्लिक करने के बाद आप अपने अकॉर्डिंग जो कलर देना चाहते हैं वो कलर दे दीजिए। तो यहाँ पे मैं इस कलर को स्ट्रोक देना चाहता हूँ, यहाँ पे ओके कर देता हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो है अगर आप आउटसाइड करेंगे तो स्ट्रोक बाहर जाएगा, हमें इनसाइड स्ट्रोक देना है तो हम इनसाइड पे क्लिक करेंगे और अपने अकॉर्डिंग जो है यहाँ से आप साइज को एडजस्ट कर सकते हैं। आपको जितना स्ट्रोक देना है आप उतना स्ट्रोक जो है यहाँ पे दे दीजिए और यहाँ पे ओके कर दीजिए। जैसे आप ओके करेंगे तो स्ट्रोक जो है यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो चलिए अब इसको भी क्लोज कर लेते हैं। अब लास्ट मेथड जानते हैं फ्रेंड्स। इसके अंदर जो हम स्ट्रोक अप्लाई करेंगे फ्रेंड्स इस इमेज में, हम सिंपल से टूल से अप्लाई करेंगे जिसका नाम है क्रॉप टूल। इससे जो है थोड़ा सा आप एडवांस स्ट्रोक भी दे सकते हैं। जैसे कि मेरा कहने का मतलब है आपको एक साइड स्ट्रोक देना है तो आप एक साइड भी दे सकते हैं। आपको दो साइड स्ट्रोक देना है तो यहाँ से खींच दीजिए। अगर आपको तीसरी साइड भी स्ट्रोक देना है तो यहाँ से भी दे सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। अगर आपको चारों साइड स्ट्रोक देना है तो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग जो है इसको सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से चेक पे क्लिक कर दीजिए। अब मैंने ऐसा क्यों बोला कि आप एक साइड से भी दो साइड पे भी दे सकते हैं, देखिए मैंने इसलिए बोला क्योंकि अब मैं यहाँ से इसको कलर फिल करूँगा। अब मैंने जैसे इस पर कलर फिल करा तो वही स्ट्रोक जो है यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अगर एक साइड होता तो फ्रेंड्स एक जगह दिखता, ठीक है, जिससे कि थोड़ा एक अलग लेआउट जो है आपको देखने को मिलता। तो देखिए इस तरीके से जो है आप क्रॉप टूल की हेल्प से भी स्ट्रोक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये पांचों ट्रिक जो है आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आप सभी को कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और अगर आप मेरे को कोई डायरेक्टली मैसेज करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे तो वहाँ पे भी मेरे को आप मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है ऑफिशियल मिस्टर बॉट और वहाँ पे मेरे को फॉलो भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मैं मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।